हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच, और सैंडविच कई तरह के बनाएंगे। हम ये मैगी से सैंडविच बनाएंगे। दो पैकेट मैगी ले ली है, इसको हम मैगी बनाएंगे फिर उससे सैंडविच बनाएंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है हमने। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम प्याज डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ प्याज चॉप्ड है, 1 हरी मिर्च है चॉप्ड, थोड़ी देर इसे सौते कर लेंगे। मीडियम साइज़ टमाटर है चॉप, मीडियम फ्लेम पर हम कुक कर लेंगे। दोनों ही हमने मसाले के सैशे डाल दिए हैं। 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डालेंगे, नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छी तरह से सौते कर लिया है। 1 गिलास इसमें पानी डाल देंगे, 200 ml पानी डाल देंगे। इसमें बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आ चुका है। मैगी को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे, और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। मैगी हमारी कुक हो चुकी है। इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए, इसमें दिखाई देने चाहिए, और मैगी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए और ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। मैगी रेडी हो चुकी है, अब इसे करते हैं ठंडा। कर लिया है, थोड़ा थोड़ा केचप लगा लेंगे। कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, हमने वाइट ब्रेड लिए। मैगी ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा कर लिया है हमने। 1-1 स्लाइस पर मेयोनीज लगा देंगे, और ज़्यादा सी लगाएंगे। इसी तरह से मैगी भी ज़्यादा सी रखेंगे हम। स्लाइस को हमने टर्न कर दिया है, मीडियम फ्लेम पर पैन रख दिया है। स्लाइसिस को हम टोस्ट कर लेंगे। हल्का हल्का बटर हमने लगा दिया है, फ्लेम हमारी मीडियम है, हमने टर्न कर दिए। थोड़ा थोड़ा बटर इसकी दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। दोनों साइड से हमारे सैंडविच हो चुके हैं। इस तरह से हाथ रखेंगे और इसको बीच में से कट कर लेंगे। इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई कीजिए, और बच्चों को तो ये सैंडविच बहुत ही पसंद आएंगे। मैगी के हैं, और मैगी बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।